एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हूँ। सो आज मैं करने वाली हूँ अपना स्किन केयर। सो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं अपना स्किन केयर कैसे करती हूँ, अपना वीकली स्किन केयर मैं कैसे करती हूँ, बिकॉज फेस्टिव सीजन भी आ चुके हैं। सो हमें ना अपना स्किन केयर कुछ ऐसा करना है कि वो सिर्फ एक दिन के लिए ना हो कि हमें आज स्किन केयर किया और वो खाली आज तक के लिए ही है, कल फिर से हमारा फेस डल हो जाता है, ऐसा नहीं करने वाले हैं। सो जो ये स्किन केयर होने वाला है ना, ये परमानेंट होने वाला है। परमानेंट आपकी जो टैनिंग है, जो भी आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, वो सब कुछ खत्म होने वाली है। सो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, पर इस वीडियो को ना आपको लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। सो लास्ट तक जरूर देखना एंड करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको ये फेस वॉश यूज़ करना है। मैं यूज़ करती हूँ मामाअर्थ का उत्तन वाला, ये बहुत अच्छा फेस वॉश है। इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी भी बहुत लगती है। मैंने फेस वॉश कर लिया है एंड ये मेरा स्क्रब है जिसमें मैंने यूज किया है राइस को पीस के, और जो मसूर की दाल होती है दोनों को मैंने पीस के मिक्स कर, इसमें मैंने कॉफी ऐड कर दी है। एंड अब आपको करना है एलोवेरा जेल। मैं लोटस का यूज कर रही हूँ एलोवेरा जेल। मेरा पंप खराब हो रहा है सो एंड इसके बाद आपको यूज करना है रोज एंड इसको अच्छे से मिक्स करके इसका ऐसे थिक पेस्ट बना के हमें पूरे फेस पे अप्लाई करना है। एंड इसको ना पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद आपको 10 मिनट तक रखना है एंड इसके बाद आपको पूरे फेस का अच्छे से स्क्रब करना है। सो मेरे 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको अच्छे से स्क्रब कर लूँगी अपने फेस पर। एंड अब आपको उसको ठंडे पानी से अपने पूरे फेस को वॉश करना है नॉर्मल वाटर से। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, अच्छे से फेस क्लीन कर लिया है एंड आप यहाँ की जो मेरी जितनी भी टैनिंग थी मेरी इस एरिया की पूरी रिमूव हो गई है। एंड अब मैं अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइजर, बिकॉज स्क्रब करने के बाद या हम कोई भी स्किन केयर करते हैं उसके बाद मॉइस्चराइजर बहुत ज़रूरी है हमारे फेस के लिए। सो मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँगी। मेरा मॉइस्चराइजर है अरोमा मैजिक का है। ये मेरा कॉम्बिनेशन स्किन का है एंड इसमें ऑयली स्किन का भी आता है, ड्राई स्किन का भी आता है, बट मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है सो मैं ये वाला मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी। एंड ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट मॉइस्चराइजर है, एक बार आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना। ये स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ टेक्चर प्रोवाइड करता है, बहुत सी। एंड जो इसका कॉस्ट है ना वो 375 है एंड ये अपने हर स्किन के टाइप, ये हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आता है, मतलब ऑयली स्किन वालों के लिए अलग है, नॉर्मल के लिए अलग, ड्राई वालों के लिए अलग। एंड मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है सो मैंने ये वाला परचेज किया है। मेक श्योर आप उसको वन टाइम तो जरूर अप्लाई कर यूज़ करके देखना, इससे भी आपको अपने स्किन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी स्किन केयर की। एंड मैं जितने भी प्रोडक्ट्स थे मैं सबका लिंक कैप्शन में मेंशन कर दूंगी। सो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की लेके आऊँ। एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना। तब तक के लिए बाय बाय।